सिर्फ एक एक बंदा आ गया, ये वो बाकी सब कुर्सी पे आ जाओ पीछे जा बोला उधर चेहरा करके गुरुजी उधर चेहरा करके पूरा बंदा बेटा नीचे तक जय श्री माँ काल आज देश तो बोलते रहे जय श्री माँ काल हम अपने गुरु के इधर आसन पर नहीं रखना चलिए अब बैठ जाइए सब सब हमारे गुरु भाइयों की इच्छा से और हमारे पंडित जी की इच्छा से हुआ अब लाइन चलने दो मंजूरी हाँ उधर से जाओ बाहर को जाओ तो देखो मैं जैसे कि मैं सभी लोगों को समझा चुका हूँ कि मेहनत कब होगी तभी सफलता मिलेगी तो सभी लोग मेहनत करने के लिए तैयार जीवन किसी के अंदर कोई कौशल हो वो कर सकता है और एक दूसरे का हौसला आपका अगर कोई साधक भाई ठीक है गुरु भाई आपका अगर टूटता है या उसके अंदर कोई वीकनेस आती है या उसका मनोबल टूटता है तो उसको टूटने मत देना ठीक है उत्साहित करना उसको कि जब हम कर रहे हैं तो तुझे करने लग जाए जब कहते हैं ना किसी का अगर मनोबल टूटता है ना या कोई परेशानी में होता है कुछ भी ए टू जेड अगर उसको कोई सहारा देने वाला हो तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है केवल सहारा ही काफी है ऐसा नहीं कि उसकी उसका काम आप करके देंगे आपके हौसला अफजाई से उसका मनोबल बढ़ जाएगा ऐसे लोग हैं आज ही पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग हैं वो आप इतनी दूर से आए हैं पैसा भी खर्च कर रहे हैं टाइम भी खर्च कर रहे हैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे मैं केवल आपका मार्गदर्शक हूँ आपका मार्गदर्शन करूँगा बाकी जो भी करना है मेहनत करनी है वो आपने ही करनी है देखिए कोई कहे कि मैं शक्ति बात कर देता हूँ कोई कहे कि शक्ति ट्रांसफर होती है इस सारी चीज़ों को मैं खंडित करता हूँ मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ ये वो हलवा है जो खुद से पकाना पड़ता है और खुद से खाना पड़ता है मेहनत करोगे सफलता आपके कदम चूमेगी ठीक है किसी का कोई क्वेश्चन हो वो कर सकता है सवाल वगैरह क्वेश्चन ये है कि सपोज किस पोजिशन में बैठा हूँ ठीक है ये धक है मैं वो मैं पहले ही बार बार बता चुका हूँ ऐसे कर सकते हो आसन से नहीं उठना है देख मेरे गुरु जी थोड़ा सा अपने गुरु भाई की तरफ से एक छोटी सी विनती है मेरे गुरु भाई कह रहे हैं पांच मंत्र है पांच माला यानी कि 500 500 माला और 500 एक मंत्र गिनना है 555 हो गया जो भी सॉरी इसलिए तो कह रहे हैं कम बत्ती कुछ हो सकता है या नहीं कम बत्ती बोली तुम अपनी मर्जी से एक भी माला मत करो बैठे रहो खाली वो तुम जानो ये तो बोली मैंने तो जो टारगेट दिया है उसको पूरा करना है तो उसको आप अगर तुम अपने मन से करना चाहते हो तो छूट है एक भी मत करो
मेरे क्या जाने वाला गुरु जी उसमें ऐसा विनती है आप गुरु हो आप अगर बोलोगे एक माला तो एक माला में सिद्ध हो जाएगा तो इतना बोझ मत डालो बच्चों के ऊपर क्या मतलब क्या बोझ डाल दिया आप इनको भी पता है हमें भी पता है ऐसा है ना नहीं देखिए आपके सुनिए बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं सुनिए ऐसा है ना सोने को जब तक भट्टी में नहीं दबाओगे वो पहनने लायक नहीं होता आपका कहना गुरु जी सही है लेकिन एक चीज और है भट्टी में 450 डिग्री चाहिए लेकिन कैटलिस्ट आप बोलो तो 300 डिग्री में क्यों हो जाता है वो काम वो आपको करना है ऐसे थोड़ा क्या मतलब है कि मैं अपनी दे दूं फिर आप लोगों को एकदम आपकी देखिए गुरु का मतलब क्या होता है मिलेगी तो आप ही करोगे तो होगा नहीं तो नहीं होता सब कुछ होगा अरे तो पांच माला से क्यों डरते हो कोई पहाड़ थोड़ी चढ़ना चढ़ना है एवरेस्ट पे थोड़ी चढ़ा दो एवरेस्ट पर चढ़ा दी मुझे मंजूर है लेकिन उन लोगों को हाँ ऑक्सीजन नहीं है कोई सीधे से नहीं कि वो वैसे भी एंट्री नहीं है तो मैं मुझे कोई चिंता नहीं है लेकिन अब मान लीजिए लड़का है ये छोटा बच्चा है कुछ कुछ है पंडित कौन सा छोटा बच्चा है बताओ है ना एक दो बच्चे होंगे छोटे बस बाकी सब उससे एज में जा रहे हैं सब ये दिखाते कौन ये सबसे अच्छी माला जाप करेगा और बताओ कहां गया दो वो है जो सुंदर बेचारे पर रखा डर लेता है तो हम लोग कौन है वो बताओ कौन बताओ क्या दिक्कत होती जो टारगेट देना है दिया है उसको पूरा कीजिए ठीक है जब आप जाप करेंगे तो आज कम करेंगे मैं ये नहीं कह रहा पांच कंटिन्यू आपको आज पांच ही करेंगे जितना जिससे हो सके ज्यादा से ज्यादा जाप करो ठीक है कुछ ऐसे भी है कि पांच से ज्यादा नहीं कर सकते ठीक है जो बैलेंस रह जाएगा जरूरी पांच का डेली टारगेट दिया जो पांच माला ही करनी है अगर आपकी हिम्मत नहीं कर रही तो चार पे दो भाई लेकिन इतना दो किए कि कल को उसको बैलेंस ले सके अरे तो एक ही दिन में थोड़ी ना हो जाता है कल आज की स्पीड आपकी कुछ और होगी कल की कुछ और होगी परसों की कुछ और होगी जब चौथा दिन आएगा तो कहेंगे गुरु जी मजा आ गया चलिए आपकी कृपा और अच्छी बात है हम अच्छे माला कर रहे हैं हाँ बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा गुरु जी वैसे कुछ मैंने लोग कहना ये है कि जैसे जैसे माला बढ़ती जाएगी वैसे स्पीड घटने के बजाय स्पीड बढ़ने के बजाय स्पीड घट जाएगी कौन बोला मैंने कुछ लोग बोले हैं कौन से लोग क्यों बोलूं कौन से लोग बोलो ऐसे कैसे बढ़ जाए कुछ भी कोई अगर हम जैसे डेली रूटीन जैसे डेली रूटीन अगर हम काम करते हैं तो स्पीड बढ़ती है घटती है पहले बताइए वो तो मैं जानता हूँ कि स्पीड बढ़ती है लेकिन जैसे यार आप लोगों को इतने दिन पहले मंत्र दे रखा है एक एक महीने पहले मंत्र दिए लोगों को और आपसे बोला कि इसको कंटेस्ट करके आइए और प्रैक्टिस भी कीजिए फिर भी आप मतलब एक ऐसा बोल रहे हैं कि माला कम कर दीजिए कम कर दीजिए नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ जैसे बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक घंटे में अगर एक माला हुआ ना तो दूसरा ऐसा है एक घंटे सवाल जवाब मत कीजिए ठीक है साधना जैसे बताइए वैसे करिए सफलता तभी मिलेगी ठीक है जैसे बताइए वैसे करिए बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए निराश होकर कोई नहीं जाएगा आप जो बोल दिए ना हम लोगों अब पांच बजेगी पूरी पूरी आप हो जाएगी छह छह वाला जाते तो हो जाएगा पता है बस सबको एक एक माला बढ़ा के जाते हैं और एक चीज ये है बीच में ब्रेक नहीं ले सकता अच्छा क्वेश्चन एक और है आसन से नहीं उठ सकते एक दो मिनट के लिए अगर हम चाहें और पहली बात सबसे बता दो मतलब साधना करें बंद आंखों के खुली आंखों से साधना करें बंद करें ठीक है नहीं तो मैं ये सोच रहा था जो मंत्र है उसे पेपर पे मैं रखा हूँ कंठस्थ नहीं है तुम्हारे कंठस्थ है लेकिन पेपर बीच में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डोल लेगा अब ये नहीं एक चीज हमारे जो कंठस्थ हो गई तो उसमें डोल नहीं जैसे क्या रहेगा जैसे कि कर रहा हूँ कर रहा हूँ नींद आ गया तो बीच का दो लाइन भूल गया ये फालतू की बातें मत कीजिए ऐसा लग रहा है कि आपको जंग लड़ रहे हो बॉर्डर पर थोड़ी भेज रहे हो ये कोई बॉर्डर नहीं है ठीक है कोई बॉर्डर नहीं है कुछ नहीं है
एक आदमी का और ये है कि जैसे उतने दिन बैठने में किसी के पांच सौ थे तो एक आध घूट या पानी पी सकते हैं अगर अपने पास रखे रखे तो पानी पी सकते हैं कोई प्रॉब्लम कोई हो गए पानी पी सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं ये मैं दो चार आदमी पूछ रहे थे कि भाई पानी पी सकते हैं कि नहीं पानी पीने से पहले क्या है अपना जो घेरा है वो तोड़ना होगा गुरु जी और स्पीड की हो रहे सब क्या कह रहे हैं बीच में जैसे उसको रोक के रखो उसको और नहीं रुकता उठना ही पड़ जाता तब क्या करेंगे तब तो कपड़ों में तो करोगे तोड़िए मतलब घेरा तोड़िए जाके फ्रेश होके आइए अच्छा अपना पानी लीजिए जंगा छींटा पानी बैठे ऐसा नहीं पंद्रह मिनट टहल के आ रहे हैं दबोगे केवल तो तुम तो पढ़ के करोगे फिर क्या अच्छा जैसे अपने जो चीज ज्यादातर लोग गुरु जी पढ़ने वाले ही बोले दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए हम लोग दीक्षित हैं ठीक है तो सुर में चार सूत्र मिला था गणेश मूल मंत्र तो इसके अलावा जो आपने दिशा बांधने वाला है उसको विचार करने पढ़ के बाकी कुछ नहीं कब करते सिर्फ लास्ट में जब आप पूरा कंप्लीट करा मैंने कसू का पहले हाँ मूल मंत्र से पहले हाँ सारा सामान रखिए अपना ठीक है सामान रख के कौन कहाँ बैठने वाला है एक बार आप बैठ के मुझे दिखा दो नहीं मुझे कुछ नहीं बताना है कम से कम इतना गैप तो होना चाहिए एक आदमी जैसे मुझमें और इसमें से हाँ बैठोगे तभी तो मैं बताऊंगा ये आप गैप में और बीच में इतना गैप छोड़ो अपना पैर थोड़ा हल्का सीधा ले मुझे ये बताइए मदद सको अपना